गाइस पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख लो। यहाँ पर गाइस मेरा ग्रैंड मास्टर लग चुका है और गाइस मैं आपको प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गाइस बाद में आप बोलते हो कि पहले खुद तो ग्रैंड मास्टर चला जाए उसके बाद हमको करेक्टर स्किल्स बता देना। तो गाइस आज मैं आपको ऐसा करेक्टर स्किल्स बता दूंगा जिसको लगा कि आप इजिली ग्रैंड मास्टर लगा सकते हो। जैसा कि गाइस अभी आपको पता ही होगा हमारा सीजन अभी कुछ दिन पहले चेंज हुआ था और गाइस यहाँ पर तुम्हारे भाई ने ग्रैंड मास्टर लगा दिया है। तो गाइस अभी मैं आपको करेक्टर स्किल्स बता देता हूँ आपको कौन सी करेक्टर स्किल्स यूज करनी है जिससे आप भी ग्रैंड मास्टर लगा सकते हो। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो क्योंकि गाइस मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से अभी आपको जो फर्स्ट नंबर पे जो करेक्टर चूज करना है वो गाइस यहाँ से अभी आपको लूना करेक्टर चूज कर लेना है। ठीक है, लूना करेक्टर का काम क्या होता है, जब भी आप किसी भी एनिमी पर फायर करोगे तो गाइस आपके हाथ में कोई सी भी वेपन हो उसका ये रेट ऑफ फायर इंक्रीज कर देता है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये मूवमेंट स्पीड भी देने वाला है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे आप इसको जरूर से लगा लेना। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे अपने को कौन सा लेना है। तो गाइस यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ठीक है, और गाइस अगर यहाँ से आप ये वाला हेडशॉट वाला करेक्टर यूज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन गाइस मैं तो आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप यहाँ से ईपी वाला करेक्टर लगा लो जो कि जस्टिन बीबर का है क्योंकि गाइस ये आपके साथ साथ पूरी टीम को भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे इसको लगा लेने के बाद अभी आपको जो तीसरे नंबर पे जो यहाँ से करेक्टर चूज करना है वो गाइस यहाँ से अभी आपको हाई ऑटो चूज करना है। ठीक है, हाई ऑटो का काम क्या होता है, जब भी आप किसी भी एनिमी पर फायर करोगे ना तो उस पर डैमेज ज्यादा लगेगा और उसका डैमेज आप पर कम लगेगा। ठीक है, तो गाइस इसको जरूर से ले लेना। और गाइस जो यहाँ पर ये चौथा वाला है ना, यहाँ पर अभी आपको कोई भी एक्टिव पावर नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी एक लगा सकते हो जो फालतू करेक्टर हो। ठीक है, या आप ना भी लगाओ वो भी ठीक है। ना लगा लेने के बाद और गाइस यहाँ से जो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है वो गाइस यहाँ से अभी आपको बोन फायर भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और गाइस यहाँ से ये वाला पेट भी आप सेलेक्ट कर लेना जैसा कि आप मेरा देख ही सकते हो। ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद अभी आपको आ जाना है गेम में। गेम में आ जाने के बाद यहाँ से जो मैंने यहाँ पर ये दो एक्टिव पावर सेलेक्ट करके रखी है ना, आपको भी यही दोनों कर लेने हैं। गाइस इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है जैसा कि यहाँ पर गाइस मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और गाइस जो हमने बोन फायर लगाई थी ना वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ तो गाइस यहाँ से अभी अपने को ईपी मिलने वाला है। जैसा कि गाइस आप यहाँ पर देख ही सकते हो ईपी मिलना स्टार्ट हो चुका है और गाइस जब भी किसी बंदे पर फायर करोगे ना तो वहाँ से की हेल्थ की जगह यहाँ पर ईपी कटने वाला है जैसा कि हमने ये जस्टिन बीबर वाला करेक्टर लगा रखा है। ठीक है, और गाइस अपना जो ये कॉम्बिनेशन है अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना काम आने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप कितना फास्ट रनिंग कर सकते हो, इससे आप छुप भी इजिली सकते हो, तो गाइस इससे आप इजिली बंदे को किल भी कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना।